हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लॉन्ग टाइम नो सी। अभी सोच रहे होंगे फरवा कहाँ घूमते फिर रही है। यार गाइस, एग्जाम से मत पूछो एग्जाम से। अभी लास्ट पेपर देकर हम लोग आ गए हैं, फ्री हो गए। हम दोनों अम्मा है ना, आईब्रोज बनवा रही है। ऐसे ही हम लोग पार्लर जा रहे हैं, मतलब खाने पीने जा रहे हैं। पेपर आ रहे हैं, फाइनली हमारा लास्ट पेपर था, हो गया है, फाइनली फ्री हो गए हैं। और मैं अभी थोड़ा कर लूँ, फिर आपसे घर जाके बहुत सारी बातें करनी है। स्किन वेरी वेरी स्किन वेरी वेरी लॉन्ग, तो मैं आपसे घर जाके सुकून से बात करूँगी। अभी ना हम ना ब्रश बनवाने जा रही है अपने। अभी तो जी का मुकाबला करेगी कौन है आपको, तो लोग चीखी मैं तो अभी तहरी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। बल्कि मेरे व्लॉग में यही काफ़ी टाइम से छुपो एक चीज़ दिखाते हैं, ऐसा नहीं है स्नैपचैट नहीं है। हमना भी लाइक मेरे को यहाँ से बाहर निकाल के चीखी मेरे को बाहर निकालो, मेरे को बाहर अंदर से चीख रही होता। आफ्टर वाओ, हमना अच्छी लग रही है। टीम बिफोर नाउ लाल हो रहा है पूरा मुंह मेरा। अच्छा उठ गई है अम्मा, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वीकेंड। तो मैंने कल के और दो दिन दिन क्लिप्स बनाए थे, बट मुझे पता नहीं कि मैं हिम्मत नहीं थी वो चीज़ कंटिन्यू करने में। तो ठीक है, मैंने कहा आज प्रॉपर एक ब्लॉग बनाते हैं, आज मैं अपना पराठा खुद बनाऊंगी। ओके लेट्स गो टू किचन नाउ। इतनी गर्मी है यार, बहुत गर्मी है आज, इतनी गर्मी लग रही है मुझे भी। काफ़ी दफ़ा तो ऐसा होता है जस्ट बिकॉज कि मुझसे बनाया नहीं जाता तो मैं ऐसे चाय पी देती फिर बाद में खाना खाती हूँ, बट आज मैंने कहा था कि मैंने ट्राई करना है एनी हाउ। चलो जी, एक तो इतना कचरा, माय गॉड, मुझे कभी होता है कि यार मैं आप लोगों को दिखाऊँ, अपना किचन दिखाऊँगी तो कैसे दिखाऊँ, इतना कचरा होता है। आई थिंक मेरी जो OG व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे देखा हुआ है रमज़ान में पराठा बनाते हुए, आटा गूंथते हुए, एक साल हो गया उसको। मैंने मुश्किल नहीं होता कोई भी काम, ऐसे सेट के जो उठना पड़ता है ना इस काम के लिए कि यार करना है, वो प्रोक्रास्टिनेशन वो बहुत बुरी लगती है। माय आटा इज़ रेडी, क्योंकि मेरे पास क्या बोलते हैं उसको, बेलन है लेकिन इसका वो साइड वो नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको यूज़ करूँगी करने के लिए। सो लेट्स सी कि मेरा फ्लॉप जाता है कि कि मेरा फ्लॉप ना जाए, वरना बेइज्जती हो जाएगी बहुत। ओह वाओ, नॉट बैड। डन विथ माय पराठा एंड एक अदद रोटी, सही नहीं बनी जो कि फर्स्ट टाइम था, थोड़ी जल गई है। अब नेक्स्ट टाइम से मैं ख्याल रखूँगी थोड़ा, बगैर व्लॉग के बनाऊँगी तो आई होप कि अच्छी बन जाए। तो ये दो चीज़ें तो बननी ही हैं। चाय बन रही है मेरी, आई थिंक मेरी चाय ज़्यादा हो गई है, माय गॉड मैं थक गई। बट ओके, तो मैं अपना खाना पर ले आई, अब मैं नाश्ता कर लूँ। ओके, मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी और मैं क्यों ब्लॉग नहीं कर पा रही थी, इज़ जस्ट बिकॉज के यार मेरे चाचू की डेथ हो गई थी। जो मुझे जानते हैं रियल लाइफ में उनको पता है कि डेथ को हुए 15 दिन से ऊपर हो गए अब तो खैर, लेकिन अचानक मैं, क्योंकि मैं कराची में थी और मेरे मंडे से एग्ज़ाम्स थे तो फ्राइडे का दिन था, और मुझे उसी दिन कॉल आई थी, 3 शाबान थी उस दिन थी, और 24 फेब को मुझे मम्मा की कॉल आई। सुबह मैं नींद से उठी तो मुझे मम्मा की कॉल आई, मैंने मम्मा की कॉल उठाई तो मैंने देखा कि मम्मा ना हाँप रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मम्मा क्या हो गया, क्योंकि मेरा वर्स्ट नाइट मेयर ये है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे किसी अपने की कोई खबर मिल जाए ऐसी घर पर, मेरा मैं हर वक्त खौफ में होती हूँ, हर वक्त मेरे डर में होती हूँ। मैं आप लोगों की सोच है कि मैं आप बता नहीं सकती, मैं मुझे 2 लम्हे थे ना मेरी ज़िंदगी नीचे ज़मीन निकल गई थी पैरों से। जब मम्मा ने मुझे कॉल किया उन्होंने मुझे बताया ना कि
चाचा अल्ताफ में जो चाचू हैं उनकी डेथ हो गई है, तो मुझे समझ नहीं आया मम्मा क्या बोल रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, करी हाँ अभी मैंने वो सब चीज़ें सुनी ना मेरे दिमाग घूम गया। एंड मैं अभी आप लोगों को अगर बता भी रही हूँ ना वो चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं दोबारा से लग रहा है दोबारा उस फेज में चली गई, बट मुझे ना क्योंकि मैं आप लोगों से हर चीज़ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ की, मैं पेपर देने भी ज़रूरी है कुछ समझ नहीं आया, उस समय इतना रिग्रेट करी थी कि मैं क्यों मैंने कराची में एडमिशन क्यों लिया है, मैंने यूनिवर्सिटी गई वहाँ पर मैं दोस्त से मेरे से बात कर रही है इसी तरह किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रही, फिर मैं क्लास में गई तो क्लास में बच्चे भी कम आए हुए थे, खैर मेरे क्लासमेट्स बहुत स्वीट थे मेरे साथ में, हालांकि वो मेरी दो मेरी क्लासमेट है, मेरी इससे बातचीत भी नहीं है, मेरी दोस्त भी नहीं है, बट स्टिल उसने मेरा इतना ख्याल रखा, सकीना आई लव यू फॉर दिस, मतलब इतना ख्याल रखा उसने, वो मेरे लिए जाके ऊपर से जूस मुझे संभाला, मुझे समझाया, खैर उसने मेरे लिए जूस वूस लेकर आई, सैंडविच वगैरह कराई, उसके लिए मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ उसकी इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम ना मेरे साथ थी वो बेचारी मेरे साथ थी, हम लोग रक्षे से घर गए, वो कहती मैं हॉस्टल चल रही हूँ, मैं कहीं मैं ठीक हूँ, मैं जो जो चीज़ें ज़रूरत की थी मैंने बैग में रखी और बस मैं निकली हूँ, मैं कहा मम्मा मेरी गाड़ी बुक कराएं 12 बजे वाली, मैं निकलना है कैसे भी करके। जैसे ही मैं अपने मोहल्ले में अंदर पहुँची ना इतना लोगों का हुजूम, मुझे सारे फ्लैश बैक मेरी दादी के मेरे बाबा के टाइम के, जैसा लगा कि मेरे पूरे वो दोबारा में 2012 में 2011 में 2012 में चली गई, मुझे अभी तक यकीन नहीं आता क्योंकि मैं संडे को घर आ गई थी वापस कराची आ गई, उसके बाद तो मैं घर गई नहीं, तो एग्जाम्स चल रहे थे मैं घर नहीं गई, तो अभी जब मैं मम्मा से बात करती हूँ ना मेरा नीचे घर पूरा वीरान खाली घर लगता है, तो मेरा दिल नहीं कर रहा मैं घर जाऊँ, मतलब फिर मैं यहाँ आई, यहाँ पे मैंने फिर मैं यहाँ बीमार हो गई आकर एग्जाम से, फिर एग्जाम्स दिए, अच्छा मैं बीमार हो गई बहुत ज़्यादा, मुझे साइनस इन्फेक्शन हो गया, साइनस इन्फेक्शन एनजाइटी हो गई, मुझे पूरा फिजिकली भी मुझे अफेक्ट कर रहा था वो चीज़ें, बहुत मेरे लिए मेरे बहुत बुरा टाइम था, फिर मैं ऊपर से मुझे पढ़ना भी पड़ रहा था, बहुत गंदा वीक था जो पिछला वीक गुजरा है ना मेरा, अब मैं ऐसी हो गई हूँ, अल्लाह मियाँ मेरे चाचू को जन्नत नसीब करे, अल्लाह मियाँ उनके सारे गुनाह माफ़ करे, मतलब बहुत मतलब मुझे इतना हो रहा है कि यार अब आते हैं उनके चेहरा मेरे दिमाग में, मैं अभी सेट हूँ, फिर एकदम हिट करता है कि यार ही इज़ नो मोर, हिट करता है सब फ्लैश बैक्स आते हैं, तो फिर दोबारा से दिल बंद हो रहा है मेरा, अभी भी मेरे साथ यही है, अभी भी घर से कॉल आती है ना मेरी जान हलक में आ जाती है, अपने बुआ मुझे कॉल कर रही है, मैंने कॉल उठाई, मैं बुआ कॉल कर रही है सामने बराबर में रहती है, तो बुआ क्यों कॉल कर रही है, खैरियत तो है, तो मैं 30 सेकंड तक बुआ से मैंने हेलो ही नहीं किया क्योंकि मैं बिल्कुल सुन हो गई थी, खैर मैंने कहा हेलो, कह रही हाँ हेलो फरवा क्या तेरा तबियत ठीक है, सारा तबियत ठीक नहीं, तो नॉर्मल बात कर रही थी वो, और मैं इतना डर गई, तो मैं इतना अभी ट्रामाटाइज हुई हुई ना कि दोबारा धम में आ रही हूँ, दोबारा लाइफ में अपनी आ रही हूँ, एग्जाम्स मेरे हो गए, प्राउड फील कर रही हूँ कि इस कंडीशन में जिसमें मैं मेंटली भी बहुत अफेक्टेड थी, मैं फिजिकली भी बहुत अफेक्टेड थी, बहुत अजीब सी हालत में थी, बट स्टिल मैंने एग्जाम्स दिए हैं उन हालत में भी, पढ़ के दिए हैं, कि मैं अपने आप पे बहुत मुझे है कि यार इंसान सोचता है कि ना यार इस कंडीशन में तो मैं मर जाऊंगा, तो अल्लाह मियां बोलता है कि यार इतना मैं आपको दुख नहीं देता जितना आप पे बर्दाश्त की ताकत नहीं है, वो इतना ही दुख देता है जितना आप पे बर्दाश्त करने की हिम्मत है, अभी ऐसा लगे सब खुश हैं, हंस रहे हैं क्योंकि दुनिया है, लाइफ चलती है, हंस रहे हैं सब, एकदम हिट करता है कि यार क्या हो गया, हमारे साथ चल रहा है, तो आप प्लीज़ तो मेरे चाचू के लिए फातिहा पढ़ दीजिएगा, उनकी मफ़रत की दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरे को जन्नत नसीब करे, अल्ताफ़ हुसैन इब्ने खमीसो खान, दादी बाबा पप्पो नाना नानी मेरे, और जिन जिन के भी अपने इस दुनिया से चले गए, अल्लाह मियाँ सबको सब्र दे और इन सबको हिम्मत ताकत दे दुनिया में चले, क्योंकि दुनिया तो नहीं रुकती है ना, लेकिन इंसान का गम आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए रह जाता है, दादी बाबा पप्पो एक और गम भी आके, चौथा गम भी हमारे दिल में आके ना अब बैठ गया है, समा गया है, और ये अब जिंदगी भर रहेगा, ये नहीं चाहेगा, अभी भी हम बैठे होते हैं दादी याद आती हैं, बाबा याद आते हैं, पप्पो याद आती हैं, अब चाचू भी ऐसे याद आते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस अब जिंदगी ऐसे ही चलेगी, तो बस कि इस वजह से मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी, मैं इंस्टा पे एक्टिव थी, इंस्टा पे तो मैं एक्टिव हो गई थी, बट मैं ब्लॉग में नहीं बोल नहीं पा रही थी प्रॉपर कि मैं क्या बताऊँ, अगर थोड़ा मैं इस चीज़ों से इस ट्रॉमा से थोड़ा सही से हो जाऊँ फिर मैं आप लोगों को खुद बताऊंगी, बट अभी मेरा नहीं थी हिम्मत मेरे में, फिर अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह मियाँ आपको और आपके प्यारों को बहुत लंबी ज़िंदगी दे और सेहत दे, और मेरे प्यारों को भी लंबी ज़िंदगी दे सेहत दे, जो होना था बुरा वो हो गया है, अल्लाह मियाँ बाकी जो मेरे अपने हैं वो सबको अल्लाह मियाँ लंबी ज़िंदगी दे और सब खुश रहे अपने घर में, और कभी ऐसी कोई खबर ना आए, वो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह अब से मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे, थैंक यू मुझे समझने के लिए, मुझे मैसेज आ रहे थे इंस्टा पर कि आप कहाँ हैं, आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो मैंने कहा मैं बताऊंगी मैं क्यों नहीं आ रही, तो थैंक यू मुझे पूछने के लिए, और बस दुआ करें अल्लाह हाफिज़।